मैं चाहूंगी कुछ पिक्चर्स हम चलाएं जो जिन जो मंजर सहवाई साहब ने समीना आपा के लिए पिक्चर्स डाली है, तो एक तो जनाब उनकी पिक्चर लगाई उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और उन्होंने लिखा है कि शी इज सिंपली बियॉन्ड लव, चंद और लम्हे जिंदा रहने का जवाब मंजर सहवाई। कितनी प्यारी है चीज। फिर उन्होंने अपनी एक पिक्चर एक और लगाई, आप देख सकते हैं समीना आपा के साथ, उसमें इनकी सालगिरह थी, तो उसमें उनको लिखा हुआ कि हैप्पी बर्थडे टू माय बिलव्ड वाइफ, द वुमन आई अडोर एंड लव द मोस्ट ऑन दिस प्लैनेट एंड बियॉन्ड। मेरा मियाँ देख रहा है तो वो सुनो कैसे लिखते हैं, सालगिरह की पोस्ट होती है ना तो ऐसे नहीं जाने देते, मेरी सालगिरह आ रही है, ओके। अब मुझे सोच सोच के गुस्सा चढ़ने लगे कि वो नहीं लिखेगा, देखिए उन्होंने कितनी प्यारी पोस्ट लिखी हुई है। अच्छा, शी इज सिंपली यूनिक इन हर ओन वे, इट हैज नेवर बीन ईजी फॉर हर बट शी नेवर एवर गेव अप, शी इज द मोस्ट करेजियस लविंग एंड केयरिंग ऑफ ऑल द वुमेन आई केम अक्रॉस इन माई लाइफ, लव यू द वे आई नेवर लव्ड before. Wow. Oh my god, क्या बात है, thank you for letting me into your life. ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका मंजर साहब। और एक और मुझे बहुत प्यारी, उन्होंने इतनी प्यारी ये मैं ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इतनी प्यारी तस्वीर है, इसमें लिखा है नूर सा ये चेहरा समीना एंड मंजर। ये मुझे बताएं समीना पा, ये कैसा लगता है जब आप देखते हैं और लोग आपको भेजते होंगे आई एम श्योर की पिक्चर्स के, कितनी प्यारी पोस्ट लगाई हुई, ऑफकोर्स अगर हम देख रहे होते हैं फील गुड पिक्चर्स है ना कि आप देखते हैं मंजर साहब जैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बुरा तो नहीं लगता, ऑफकोर्स बुरा लगता है, बैठ के भी बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो है ऐसे। तो फिर आप उनको बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं लिखती। अच्छा, वो आपसे वो आपसे प्रूफ कराते कि मैं ये पिक्चर डाल दूं या फिर आपको सरप्राइज मिलता है? मेरा नहीं सरप्राइज होता है, मेरा नहीं। जो भी वो पिक्चर लगाते हैं या कभी कोई तस्वीरें होती हैं तो मैं दिखा रही होती हूँ कि ये मैंने देखें, ये हम फलां जगह गए थे, ये तस्वीरें मेरे पास है, मैंने उतारी थी, वो कहते हैं अच्छा ये मुझे आप भेज दें, तो मैं भेज देती हूँ उनको, उनके व्हाट्सएप कर देती हूँ, फिर उसमें से कोई सिलेक्ट करके और फिर वो लगा देती हूँ। अच्छा, उनकी ना पोस्ट से ऐसा क्यों लगता है कि उनकी आपसे मोहब्बत कोई बहुत पुरानी है? मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं हम पता नहीं कब से हो सकते हैं, आप आपके पुराने आपके ड्रामे देखते हैं फैन हो बताया नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि वो तो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो तो वहाँ जर्मनी में रहे हैं अभी बस, और हमारी पिछले मतलब उन्होंने कोई 10 साल पहले एक फिल्म की थी बोल, उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर काम करके, मतलब जो भी कोई काम है वो कर, जो भी फिल्म की चले गए वापस, तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं किया, जो पहला ही या दूसरा सीरियल था जिसमें हमारी मुलाकात। लेकिन आप उनसे पूछती तो होंगी कि मुझे लगता है कि रिश्ता बड़ा वो, मुझे हमें दिख रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बरसों की मोहब्बत जब मिल जाती ना तो फिर इंसान इतना खुश होता है जो कि उनके चेहरे पे खुशी नजर आती है। कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि पगले बताओ सच में कब से प्यार करते हो? व्हिच इज वेरी अनलाइक ऑफ हर कि ये पगले कह देंगी ये आप कब से मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, पूछा नहीं वैसे आपने? नहीं मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपको ये कहेंगे हमेशा से हमेशा। आपने सऊद भाई को दिखा दी कि देखो सीखो कुछ इससे? मुझे पता है ना सऊद का वो है एक्सप्रेसिव नहीं है। नहीं, उन्होंने कल जिंदगी में एक बार मुझे 2-4 शेर भेजे थे शुरू में, बस जब हमारी बातचीत तय हुई थी, और वो शेर उसके बाद फिर आपने तो जवाब में मुझे लगता है ज़रा मुश्किल वाला शेर भेजी। शेर हाँ 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 सब करती थी, एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, शेर पढ़ते हुए जा रहे थे रैम्बो के साथ गाड़ी में, ठोक दी थी गाड़ी की। वो शेर खुद लिखते थे या किसी से पूछ के लिखते थे? नहीं नहीं, वो शेर जो लिखे हुए थे ना, वो जो उनको याद थे, उन्होंने मुझे कौन सा था कि अब तो बस यूं है कि जीने का बहाना तुम हो, हम फकत ज़ेब हिकायत हैं ठिकाना पते फसाना तुम हो, हमने जिस जिस को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम थे फसाना तुम हो। ये पहला शेर मुझे याद है उन्होंने भेजा था। याद है वो शेर, ये होती मोहब्बत, ये होती मोहब्बत की ये भी याद है, और उन्होंने बता दिया कि जी कि पसंद, लेकिन शादी इनकी अरेंज मैरिज थी, मतलब ये क्या बात हुई भाई, अरेंज लड़की हमारी ड्रामास की इतनी है और वो बंदा हमारा जो है वो फिल्मों का, और शादी अरेंज, ये क्या अरेंज, ये बड़ी फिल्मी बात है आपने कर दी। लेकिन चलिए ये अच्छा हो गया कि शादी के बाद मोहब्बत हो गई, अगर ना होती तो क्या करते है ना, शादी के बाद हुई है एक्चुअली, क्योंकि हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि आपके पास जो जो शुरू के टाइम लड़ाई झगड़ों में गुजर जाते हैं ना अक्सर, जिनकी मोहब्बत की शादियां होती हैं उनके शुरू में बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, ये होता है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं,
अच्छा हमें जो 2-3 साल गुजरे हम एक दूसरे में जानने में गुजर गए और फिर हम लोगों को जब एक दूसरे को जाने तो हमारी बहुत सारी बातें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं. खाने पीने में हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा बगैर मिर्चों का खाना खाते हैं. मैं बहुत ज़्यादा हर तरह का खाना ट्राई करने की शौकीन हूँ, वो सादा खाना खाते हैं घर का जो 2-4 खाने हैं बस वो. और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल एक जैसे हैं और हम इंजॉय करते हैं दोनों जब बैठते हैं टाइम अपना बहुत ज़्यादा. जी मेरे बच्चे कहाँ पे जाके लगता है कि बच्चे बॉन्ड और मजबूत कर देते हैं? बच्चे एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, बच्चे जो है ना वो हमारी जैसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है कुछ होता है ना तो अब हमारे बच्चे आते हैं, मामा आपने गलत बोला था सॉरी करें बाबा को, या बाबा आपने गलत किया मामा को सॉरी करें. बच्चे हमारे अम्मी अब्बू बन जाते हैं. बच्चे यूजुअली सपोर्ट किसको करते हैं? जो सही होता है उसको. बड़ी बात. हाँ मेरे बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है कि वो जैसे बेटा मुझसे बहुत अटैच्ड है लेकिन मेरी गलती होती तो वो कहता है कि मामा आपकी गलती थी, आप यही करती हैं हमेशा. वो अब कह देता है. हाँ. बेटी सऊद से ज्यादा अटैच्ड है लेकिन वो हाँ. जब उनकी गलती होती तो बोलते हैं कि आपकी गलती थी. वैसे हम लोग की ऐसी कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, बहुत छोटी मोटी. लेकिन मियां बीवी में मतलब लड़ाइयाँ ना भी ना तो मजा ही नहीं आता. और हमारी लड़ाइयाँ पता है क्या होती हैं? ये क्यों कर दिया, हाय अल्लाह ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना था. सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि मैंने एक बात की इन्होंने सुनी नहीं, ठीक है ये फोन पे बात करने लगे है ना रिसेंटली हाँ उसके ऊपर सामान पे वो जो बैग लाके मैं खोल के इधर उधर सामान बिखरा हाँ. देती हूँ ना तो सऊद का ये मसला है कि हाँ. वो कहते हैं ये चीज यहाँ रखी यहाँ से हिलेगी हाँ. नहीं और मैं कहती हूँ मेरा कमरा है मेरी मर्जी में जहाँ भी चीजें फेंकूँ. यकीन अरे शादी से पहले भी ना मेरी बहनों की आप कबर्ड खोलें तो एक एक चीज सेट करके रखी हुई है, ये चीजें रखी हुई है. अच्छा मेरी ये खोलेंगे सब ऊपर गिरेगा मेरा है. मैं पता क्या पहले से तैयारी नहीं करती, बस जाते वक्त मैं जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर फेंक के ये करके ना चली जाती हूँ और फिर सऊद कहता है ऐसे लगता है कमरे में जलजला आया था. इस चीज पे ज्यादा हमारी लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा इस चीज के पास. दूसरी चीज ये कि बच्चों ये सऊद ना फोन में अगर होते हैं इनसे आप कोई बात करें कुछ नहीं सुनते, हाँ हाँ करते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमने इनसे बात की है. इस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है. अच्छा सऊद भाई ये वार्डरोब चेंज करने में आपका कितना हाथ है? यार सऊद जो है बहुत खुश लिबास आदमी हैं और उनके चार चार हाँ. बैग्स भरे हुए रखे हुए हैं लेकिन इनका मसला है कि जो चीज इनको कंफर्ट देती है ना हाँ. ये वो ही पहन के घूमते रहते हैं हाँ, बंदों को ये छोड़ते हाँ. ही नहीं है जब तक कि हम फाड़ नहीं दें. सब मिलके फाड़ देते हैं फिर मैं जन्नत इब्राहिम एक टी शर्ट हम सबने मिलके फाड़ी है इनकी दो बस कर दे हाँ क्योंकि वो हम थक गए थे देख देख के क्या करें भाई फिर ये पहन ली अब वो यहाँ से पटी हुई है यहाँ से पटी नहीं मैं यही पहनूंगा घर में फिर हम फाड़ देते हैं वो. आप मंदिर साहब की वार्डरोब में कुछ चीजों में आप तब्दीली लेकर आई कि आपने कहीं मुझे ऐसे कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं जो आपने उनके लिए खरीदे हो? नहीं आपने कहा जैसे उनको चीजें पसंद हैं बहुत अच्छे हैं. यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल सही स्पेस दी एक दूसरे को. मेरे ख्याल से ये बहुत सारे जो नए जोड़े हैं उनको भी ये चाहिए कि वो एक दूसरे को स्पेस दें लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना लोगों को पसंद भी नहीं होती ज़्यादा स्पेस. मसला ये भी है जहाँ इमेच्योर लोग होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस जो है. सुने 17 साल हो गए हैं हमारी शादी को माशाल्लाह. ना कभी सऊद ने मेरा मोबाइल चेक किया ना कभी मैंने उनका मोबाइल चेक किया ना कहीं कभी हमने एक दूसरे से पासवर्ड मांगा आज तक ना कभी मैंने शक किया क्योंकि मेरी शादी के बाद काफी मूवीज थी उन्होंने रेशम मीरा बहुत सारी लोगों के साथ लेकिन मैंने कभी किसी सेट पे फोन करके या कहीं फोन करके नहीं पूछा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कभी नहीं किया ना कभी सऊद ने ऐसा किया. तो मेरा ख्याल है रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना वो प्यार तो होता ही है लेकिन जब आप इज्जत करते हैं क्योंकि देखें प्यार के बगैर भी जिंदगी गुजर जाती है अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी गुजर जाती है लेकिन अगर इज्जत ना होना बीच में रिश्ते में तो वो लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है. टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होता तो उसमें मियां बीवी के रिलेशनशिप में ये बात भी थी कि अगर आपका स्पाउस आपका फोन चेक करे तो ये भी तरीके से पर्सनल किसी का खत पढ़ लेना हाँ, जी मैं कहती हूं कि हर इंसान को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बता सकते. अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई रिलेशनशिप फायदा ज्यादा देर नहीं चल सकती. ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है. इज्जत भी नहीं होती पता है आपको.
सो आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में, स्पेशली अगर लड़कियां में देख रही हैं, तो जब उनकी शादी नहीं हो तो किन किन चीज़ों में वो भी और लड़के भी किन किन चीज़ों में का उनको भी ख्याल रखना चाहिए? मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के साथ अगर आपको वाकई मोहब्बत है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? और रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली आपने कह दिया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहुत इज्जत है या क्या, वो दिखाना भी होता है कि किस तरह से आप इज्जत करते हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, जो डिस्कशंस हैं, मिलजुल के कोई फैसले करने हैं, तो वहाँ पर इज्जत नज़र आती है ना। सही।